नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ली और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ अलग लग रहा हूँ ना। मैंने भी अपनी मूंछ थोड़ा उगा कर देखी है, कैसा लग रहा हूँ कॉमेंट में लिख कर बताइयो। वैसे आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बहुत ही जरूर अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण फाइनली मेरे चैनल के 1,00,000 सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। सच्ची में मेरे चैनल को और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए मैं आप लोगों को कहता हूँ दिल से धन्यवाद। तो आज के इस सेक्शन में मैंने एक Q&A वीडियो बनाया है, क्योंकि काफी लोग मेरे बारे में क्यूरियस होंगे कि ये बंदा है क्या और एग्जैक्टली क्या करता है और इसकी उम्र कितनी है और मुझे भारत में कौन से स्टेट की लड़कियां सबसे खूबसूरत लगती है और मेरा फेवरेट सिटी क्या है वगैरह वगैरह। तो कमेंट में भी ऐसे कई सारे सवाल आते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में उनमें से जो सबसे कॉमन है, जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, उन सवालों का जवाब दूंगा। तो मेरे बारे में ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आने वाला है। पहला सवाल, आपका असली नाम और उम्र क्या है? जैसे मेरा असली नाम ई जुनाक है, ई मेरा सरनेम है और जुनाक मेरा नाम। ये मेरा जो सरनेम है ना ई, इसको जब दूसरी भाषा में लिखा जाता है तो उसका उच्चारण ली में चेंज हो जाता है, इसलिए मैं अपने इंट्रो में बोलता हूँ कि मेरा नाम है जुनाक ली, क्योंकि भारत में तो सरनेम को अपने नाम के पीछे लगाते हैं ना, तो इसलिए मैं जानबूझकर अपने सरनेम को पीछे बोलता हूँ। लेकिन कोरिया में जो प्रॉपर कोरियन वे से मेरा नाम हो गया ई जुनाक, और मेरी उम्र पूछने वाले लोग काफी ज्यादा हैं, तो मेरा जन्म हुआ 5 नवंबर 1997 में। उम्र की गिनती उसके हिसाब से खुद कर लीजिएगा, मुझे पता है आप लोग गणित में अच्छे होंगे, क्योंकि अगर मैं अभी मैंने अगर उम्र बोल दी तो 3-4 साल बाद अगर मैं इस वीडियो को दोबारा देखूं या फिर कोई और इसे देखे तो अजीब लगेगा। दूसरा सवाल, आप एग्जैक्टली क्या करते हो, स्टूडेंट हो या जॉब करते हो? ये सवाल भी बहुत सारे आते हैं कि एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ और जॉब करते हो या स्टूडेंट हो। तो मेरा अभी करंटली 2021 के हिसाब से अभी मैं बुसान फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा मेजर है हिंदी लैंग्वेज एंड इंडियन सोशल। मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था सन 2018 में, यानी 3 साल पहले। तो 1 साल फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाई की, उसके 1 साल बाद यानी 2019 में मैं आर्मी में चला गया। शायद काफी लोग ये जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए बता दूं कि हमारा देश साउथ कोरिया में ना सभी लड़कों का आर्मी सेवा में जाना कंपलसरी होता है नॉर्थ कोरिया और चाइना से दुश्मनी के कारण। इसलिए बीइंग इन साउथ कोरिया मैंने भी आर्मी में जाके सेवा की, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज बनता है। लेकिन मेरा जो पोस्टिंग था ना, मेरा पोस्टिंग बाकियों की तरह बॉर्डर पर नहीं, आर्मी कैंप में नहीं, बल्कि सरकारी ऑफिस में हुआ था, क्योंकि उनका भी जैसे ऑफिशियल वर्क होता है ना, और मैं वहां पे काम करने लगा। सन 2019 से 2021 तक 1 साल 8 महीने मैंने ऑफिस में काम किया, और इसी साल यानी 22 फरवरी को मेरी आर्मी सेवा खत्म हो गई, तो मैंने वापस यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया। इसलिए अभी मैं यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में हूँ। कुछ लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि मैं अभी जॉब करता हूँ या स्टूडेंट हूँ, तो ये समझो कि इसी साल के फरवरी तक मैंने आर्मी ऑफिस में काम किया यानी सरकारी ऑफिस में, और अभी मैं यूनिवर्सिटी वापस आ गया हूँ और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तीसरा सवाल, आप पहली बार भारत कब आए थे? मैं पहली बार भारत आया था सन 2016 में फरवरी में, तब मेरा हाई स्कूल खत्म हो गया था और बाकी स्टूडेंट्स की तरह यूनिवर्सिटी जाने के बजाय मैं भारत भ्रमण पे निकल गया, क्योंकि मुझे देखना था कि मैं जिस देश की भाषा सीख रहा हूँ, जिस देश की मूवी में देख रहा हूँ, वो देश और वहाँ के लोग एक्चुअली होते कैसे हैं। तो हाई स्कूल के टाइम मैं रेस्टोरेंट में काम करके पैसे कमाता था, और हाई स्कूल खत्म होते ही मैं उन पैसों से भारत भ्रमण पे निकल गया 2 महीने के लिए। 2 महीने भारत घूम के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए कोरिया वापस आने के बाद सोचा कि क्यों ना एक बार मैं इस देश में रह के देखूं। तो उससे रिलेटेड चौथा सवाल है, आप भारत में रहे हैं, कहाँ रहे हैं? हाँ, मैं भारत में रहा हूँ 1 साल तक। कोरिया वापस आने के बाद मैंने पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, और इसलिए मैं जून में वापस फिर भारत आ गया। तब मेरा मकसद था कि भारत में रहते हुए लोगों की जो बोलचाल की हिंदी है वो सीखना, भारतीय लोगों से दोस्ती करना, और वहाँ के ऐसी ऐसी जगह घूमना जहाँ लोग नहीं जाते। इसलिए मैं कॉलेज क्लास में कम बल्कि बाहर ज्यादा घूमता था, और मुझे लगता है कि कॉलेज की क्लास तो वैसे अच्छी तो थी ही, लेकिन बाहर मुझे जो चीजें सीखने को मिली है ना, वो शायद कॉलेज की क्लास में बैठकर कभी नहीं सीख सकते। पुणे वालों के लिए बता दूं कि मैं पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में था, 2016 बेंच है, अभी भी वहाँ के कैंटीन को, FC रोड को कभी कभार मिस करता हूँ। पांचवा सवाल, भारत छोड़ने की रीजन क्या है? वैसे मेरा कोर्स तो 3 साल का था, आप लोगों को तो पता ही है कि भारत में जो BA का कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, तो मेरा वैसे कोरिया में 4 साल का होता है।
लेकिन आप लोगों को पता है ना कि भारत में स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब नहीं करते और पार्ट टाइम कई जगह अवेलेबल भी नहीं होती। इसलिए हमारे जैसे फॉरेन स्टूडेंट्स को जो घर से पैसे आते हैं पूरे उस पर डिपेंडेंट रहना है। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि उसी वक्त मेरे बाप का बिजनेस उतना सही नहीं चल रहा था, जितना पैसे भेजते थे उतने में तो घर का रेंट ही मुश्किल से भर जाता था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने देश में रहकर हिंदी से संबंधित पढ़ाई जारी रखूं। इसलिए 2017 में मैं भारत छोड़ के वापस कोरिया आ गया। 2018 में अभी वाली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया। अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी में अपने कोर्स से बहुत खुश हूँ। छठा सवाल है, आप भारत में कहाँ कहाँ घूमे और भारत में आपका फेवरेट सिटी कौन सा है? वैसे ये सवाल भी बहुत कॉमन है। हर बार मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये देखने को मिलता है कि भैया आप बनारस आए हो, भैया आप आजमगढ़ आए हो, भैया आप गोरखपुर आए हो। एक्चुअली जगह का नाम लेता जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं उन राज्यों का नाम लेता हूँ जहाँ मैं गया हूँ। तो आप अपने राज्यों के नाम सुनने की कोशिश कीजिएगा। दिल्ली NCR, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मुंबई, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला और दिल्ली के ऊपर हरियाणा, तो हरियाणा का नाम लिया, और हरियाणा के ऊपर पंजाब, चंडीगढ़, फिर उत्तराखंड, हरिद्वार और हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से ऊपर ले लद्दाख। हाँ, इन राज्यों में मैं गया हूँ। और भारत में मेरा फेवरेट सिटी है दिल्ली। दिल्ली का माहौल और खाना और मेट्रो वगैरह मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और सातवां सवाल, हिंदी के अलावा आपको कौन सी भारतीय भाषा आती है? हिंदी के अलावा मुझे सिर्फ बंगाली आती है। काफी लोगों की गलत फहमी होती है ना कि मेरे को बहुत सारी भारतीय भाषा जैसे गुजराती, ओडिया, मराठी वगैरह सब आती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिसमें एकदम फ्लुएंटली बात करता हूँ और जो भाषा मुझे अच्छे से समझ में भी आती है वो सिर्फ बंगाली ही है। क्योंकि ना मेरे कॉलेज में मेरे जो काफी फ्रेंड्स थे वो ज्यादातर बंगाली थे, और वैसे मैं वेस्ट बंगाल को पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। वहाँ के लोगों का जो नेचर है ना, हम कोरियन से बहुत मिलता है। वो लोग चिकन, दारू और फुटबॉल, ये तीनों चीजों को बहुत पसंद करते हैं जो कि हमारे कोरियन में रग में दौड़ता है। इसलिए मैंने अलग से बंगाली सीखने की कोशिश की, और मेरे काफी दोस्त भी थे तो उनसे बात करते करते थोड़ा बंगाली सीख गया। एक दिन मैं बंगाली में भी वीडियो बनाऊंगा, अभी बस एग्जाम ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। आठवां सवाल, अगली बार भारत आने का कब प्लान है और अगली बार भारत आएंगे तो कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से ना ये वही सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। मेरा जवाब ये है कि अभी मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि कोरोना, दोनों देशों में कोरोना की स्थिति बहुत ही बुरी है, इसलिए भारत दूतावास अभी वीजा नहीं दे रहे। अभी किसी भी विदेशी नागरिक को भारत का वीजा नहीं मिल सकता, इसलिए मैं स्थिति अच्छी होने का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन जैसे स्थिति ठीक होगी, जैसे कोरोना खत्म होगा, तो मैं झक मार के भारत आऊंगा। और अगली बार ना मैं ऐसी जगह पर ज्यादा ध्यान दूंगा जहाँ पे मैं गया नहीं हूँ और हिस्टोरिकल प्लेस भी है। जैसे मैंने कुछ शहरों का लिस्ट भी बना के रखा है, उनमें है कोलकाता, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, शिलोंग और दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी, मिर्जापुर हो गया, गोरखपुर हो गया, और दिल्ली तो है, और हरियाणा के कुछ गाँव क्योंकि मेरा दोस्त रहता है वहाँ पे, और MP के दतिया, चंदेरी, शिवपुरी, और गुजरात के बड़ोदरा, और मुंबई के बाहर औरंगाबाद और मालवा। ये जगह मैंने सोच के रखी है, और अगर कोई और जाने की जगह हो तो कमेंट में बता सकते हैं। नवा सवाल है, आपको भारत में कौन से स्टेट की लड़की सबसे खूबसूरत लगती है? बंगाली, क्योंकि बंगाली लड़कियों का जो चार्म होता है, उनका जो भीव होता है ना, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, और उनकी आंखें भी एकदम आकर्षित करती है। और कुछ बंगाली एक्ट्रेस भी होती है ना, वो लोग सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि गोर्जियस होते हैं, जैसे रिया सेन हो गया, रेमा सेन हो गया, फिर नैना गंगुली, या फिर निया बनर्जी और बिपाशा बासु। मैं सिर्फ अपनी पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आप सबकी पसंद अलग होती है, सब लोगों की अलग अलग पसंद है, तो उसकी ना इज्जत करनी चाहिए। और आखिरी सवाल, आपके कोई बंदी है या सिंगल हो? इसका जवाब ये है कि अभी हमारे पे कोई बंदी ना है, अभी मैं खुशी हंसी मुख सिंगल हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिंगल ही ठीक हूँ। क्योंकि ना मेरी मम्मी जो है वो शादी करने से इनकार करती है, कहती है कि बेटा तुम जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन शादी मत करो। ये एक्चुअली हमारे कुछ पारिवारिक समस्या है इसलिए, लेकिन मेरी मम्मी की जो बात है ना मुझे एकदम सही लगती है। तो अभी मेरी कोई बंदी ना है और ना ही रिलेशन के चक्कर में पड़ के मैं अपना समय बर्बाद करना चाहता हूँ। देखते हैं आगे क्या होगा, पता नहीं, अभी जो स्थिति है क्या पता कल को बदल जाए, तो इसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं बस अभी की जो स्थिति है वो बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस वक्त मुझे अपने चैनल पर और अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए
तो कैसा लगा आज ये वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो सवाल थे, जो क्यूरियस थे, उसका कुछ वो हल हुआ होगा इस वीडियो से। तो आज का मैं वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक मैं जुनागली आपसे अलविदा लेता हूँ। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद और जय साउथ कोरिया।